काफ़ी बेहतरीन डिक्शनरी है। मैं 10th क्लास में इसे लिया था और अभी भी आज भी इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, तो इसकी कीमत भी मैं आपको इसके अंदर वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली ये आपने अभी थंबनेल पर देखा उतनी ही या कम है या ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। अगर आप इसे यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होंगी। और इसके अंदर यंग स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है। इसके अंदर आपको लगभग टोटल पेजेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 351 पेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ करते आया हूँ। तो इसके अंदर आपको पिक्चर भी देखने को मिलते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम से इसके अंदर इन्होंने ऐड किए हैं, तो काफ़ी अच्छी है। और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि ओनली 99 रुपीज़ है, और इसके अंदर आपको इतना सीखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इसे बाय करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपका इंग्लिश इम्प्रूव भी इससे काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो इसकी लिंक मैंने तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश हर वर्ड के रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया है, तो अच्छी है और काफ़ी यूज़फुल डिक्शनरी है। इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो आप इसे आसानी से कैरी भी कर सकते हैं, आपको जहाँ लेकर जाना है वहाँ पर। तो इसके अंदर कुछ ऐसे टेबल्स के अंदर भी आपको चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे ये डिक्शनरी, ख़ास तो मैं इसे स्टूडेंट लाइफ से यूज़ करते आया हूँ और आज भी मेरा अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, इसके बाद भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको कोई सवाल होगा या आप में से किसी ने इसे यूज़ किया होगा या किसी को ये लेना है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में इस हमारे चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।